सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज का हमारा ये काउंटडाउन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का ये काउंटडाउन हमारे फेवरेट वैम्पायर्स के बारे में है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आखिर में आपको मिलने वाला है मार्वल मूवी की लेटेस्ट मूवी का अपडेट। तो वैम्पायर तो सबके फेवरेट हैं ही, ड्रैकुला से लेके वैन हेल्सिंग, वैम्पायर हंटर से लेके वैम्पायर रेस्टोरेंट, टीन ड्रामा, आपने ये सब मूवियाँ जरूर देखी होंगी और इनके ऊपर बनी हुई वेब सीरीज़ें भी। तो आज हम इन्हीं मूवीज़ और वेब सीरीज़ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बचपन से मैं बस यही सोचता था कि काश मुझे भी कोई एक वैम्पायर मिले जो मुझे काट के मुझे भी वैम्पायर बना दे और उसके बाद मैं ज़िंदगी भर जीता रहूँ। कितना मज़ा आए ना अगर हम सिर्फ ज़िंदगी भर जीते रहे खून के दम पे। तो कुछ वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं आम इंसानों की, और कुछ वैम्पायर उन्हीं आम इंसानों को खा डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 वैम्पायर काउंटडाउन। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए और अपनी फेवरेट मूवीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो नंबर 10 पे हमारे पास ड्रैकुला अनटोल्ड। अगर आपको ड्रैकुला की ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो ये मूवी उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसके VFX बहुत ही ज़्यादा शानदार है और ये अपनी ओरिजिन ब्राम स्टोकर की ड्रैकुला सीरीज से थोड़ी हटके है। अगर आपको मुंह के फटते हुए और जीभ बाहर निकल के गले से खून चूसते हुए वैम्पायर को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सीरीज़ आपकी सबसे बेस्ट एक्शन सीरीज़ बनेगी। विंसली स्नाइप्स की ब्लेड के 3 पार्ट्स हैं और ये मार्वल का एक बहुत ही फेमस कॉमिक्स कैरेक्टर है। इसे देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पाउलो को जैसे ही पता चलता है कि जूना एक वैम्पायर है, उसकी पूरी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसके ही साथ रहता है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। लेकिन पाउलो की ज़िंदगी तब और बदल जाती है जब जूना की सिस्टर आके वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देती है और वो एम्स्टरडैम के एक बंदे को मारकर आई हुई है। और नंबर 7 पे है एक हल्की फुल्की कॉमेडी मूवी जो कि है वैम्स। वैम्स को कॉमेडी करते हुए देखना बहुत ही अच्छा सा लगता है। और अगर आप क्रिस्टीन स्टीयर के फैंस हैं, अगर आपने देखी है ब्रेकिंग बैड और जेसिका जोन्स, तो आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि इसमें वैम ने कॉमेडी कर करके हद मचा दी है। अगर आप थॉर कैरेक्टर के लॉकी के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। टॉम हिडेल्सन की ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और कैसे दो मैरिड वैम्पायर जो कि सेंचुरी तक एक साथ रहे हैं और अब एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो यही सब इस मूवी में दिखाया गया है और ये 100 बेस्ट ग्रेटेस्ट मूवीज़ की लिस्ट में आ चुकी है। हमारे फेवरेट जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप और हमारे फेवरेट डायरेक्टर टिम बर्टन की पेशकश डार्क शैडो वन ऑफ द लाइफ टाइम मूवी है। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी से भरी हुई है। डार्क शैडो में चुड़ैल एक आम इंसान को वैम्पायर बना देती है और जब वो और नंबर 4 पे है हमारे पास केट बेकिनसेल की अंडरवर्ल्ड सीरीज़, पूरी सीरीज जिसके 6 पार्ट आ चुके हैं। लाइकन्स एंड वैम्पायर्स की ये दुनिया आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर देगी। इसके के बीच में फाइट है हाइब्रिड लाइकन्स और हमारे वैम्पायरों के बीच में। और आज के टॉप 10 काउंटडाउन में हमारे पास नंबर 3 पे अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। वैसे तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो कैसे देश को आज़ाद कराते हैं, किससे, वैम्पायर से, ये इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से अब्राहम लिंकन एक प्रेसिडेंट होते होते साथ ही साथ लड़ते हैं वैम्पायरों से और बन जाते हैं एक वैम्पायर हंटर। अब्राहम लिंकन और नंबर 2 पे है सबसे ज़्यादा फेमस मूवी 1992 की ब्राम स्टॉकर की स्टोरी पे बनी हुई ड्रैकुला। ड्रैकुला का ओरिजिन किस तरीके से होता है ये इस मूवी पे दिखाया गया है। हमारे फेमस गैरी ओल्डमैन और कियानो रीव्स जैसे एक्टर्स इस मूवी में एक फेमस रोल प्ले कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें साइड बाई साइड दिखाया गया है वैन हेल्सिंग जो कि पीछे पड़ जाता है ड्रैकुला के और उसे मारने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है। और आज के टॉप 10 काउंटडाउन पे है हमारे पास रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टीन स्टीवर्ट स्टारिंग द टू लाइट सागा। टू लाइट सागा सबकी फेवरेट है। पहला पार्ट टू लाइट जिसमें कि एक नॉर्मल लड़की मिलती है एक वैम्पायर से और उसे उससे प्यार हो जाता है। और इसी के दूसरे पार्ट न्यू मून में दिखाया गया है हमारे पास लाइकन्स थ्रॉप्स को और धीरे धीरे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़। और ये है हमारा टॉप 10 काउंटडाउन। और इसके बाद आपको बोनस में मिलता है हमारा मोस्ट अवेटिंग मूवी जो कि मार्वल की पेशकश है मॉर्बियस। मॉर्बियस में एक रेयर डिजीज हो जाती है हमारे मॉर्बियस को जिसका इलाज है वैम्पायरिज्म।
तो दोस्तों आपको हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के घंटे आइकन को जरूर बजा दीजिए। और टॉप 10 फैंटेसी मूवी, बेस्ट मूवीज, एनिमल मूवीज जानने के लिए हमारे पिछली वीडियो जरूर देखिए। पीस इन।